हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा वीडियो नंबर थर्ड, या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ FIFO। मतलब अगर हम लोग TY की बात करें, TY BCOM में ये चैप्टर है आप लोग को, सेकंड चैप्टर डेट इज़ अ मटेरियल कॉस्ट। उसमें एक तुम्हारा पार्ट आता है इन्वेंटरी। कौन सा पार्ट आता है? इन्वेंटरी। तो उसमें आप लोगों को FIFO वेटेड के टाइप के क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने FI BCOM में भी ऑलरेडी पढ़े हो, राइट और रॉन्ग? यस, ठीक है। तो अब हम जो आपके साथ में शेयर करने वाले, अप्रैल 2024 में जो अभी जस्ट पेपर हुआ था, पिछले 4-5 महीने पहले हम लोग बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को एक ये चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा? मटेरियल कॉस्ट, या तो इन्वेंटरी भी है, ठीक है, FI BCOM में ये इन्वेंटरी है। तो वही चैप्टर का आप लोग को एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। कितना मार्क्स का क्वेश्चन? 10। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर वीडियो नंबर 1 में बेसिक सब पूरा बताया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने नहीं देखे तो देख लेना, आप लोग के लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। 2024 में आप लोग को 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखो, श्योर नहीं कि हर साल आते ही आते हैं, लेकिन अगर हम लोग 4 साल का पेपर देखेंगे ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल रहा है। कभी 20 मार्क्स के लिए आता है, कभी 10 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आप लोग को ये अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो इसी के मैं हम लोग क्या करने वाले, वीडियो को पूरा कवर करने वाले। पहले क्वेश्चन क्या दिया वो देखेंगे, उसके बाद में इसको पूरा हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे। तो अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब जो लास्ट में जो उसके पास में स्टॉक बचने वाला वो फाइंड करना है अंडर FIFO मेथड। कौन सा मेथड है? अच्छा, 2 मेथड होते हैं, सबको पता है, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहला मेथड तो हो गया आप लोग का FIFO मेथड। अब सेकंड क्या है आप लोग मुझे बताना, अगर आप चाहते हो आंसर क्या होना चाहिए। मेरा वीडियो नंबर 2 देख लेना आप लोग। कौन सा देखोगे? वीडियो नंबर 2, तो आपको वहां से सेकंड मेथड पता चल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 1st December 2023 10,000 नीड है। ऑलरेडी ये सारे पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे ना डियर फ्रेंड्स, डेट बहुत मैटर करेगी। तो 1 तारीख के बाद में आना चाहिए था, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। यहाँ पे परचेज दिया, यहाँ पे पूरा सेल्स दिया, तो हमको अकॉर्डिंग टू द डेट चलना। मतलब 1 तारीख के बाद में कौन सी एंट्री आएगी तुम्हारी? 7 की आएगी। 7 के बाद में 16, ठीक है, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 30। इस वे में हम लोग को जाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। सो डियर, ये हम लोग ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूरा पेपर में लिखे, ताकि आंसर करने के लिए प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या दिया था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया था 1st December को। तो हम लोग क्या करेंगे, फेयर डेट और FIFO क्या होता पूरा बेसिक एक बार आप लोग जरूर वीडियो नंबर 1 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेट डाल देते हैं 1st December, ठीक है। और चाहिए तो यहाँ पे एक बार ही लिख दो दिसंबर का कौन सा महीना था, December 2023। तो बार बार तुमको डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली डेट डाल दो। तो पूरा डाल दो 1st December, मतलब 12, और क्या दिया 2023, 1st December 2023, ठीक है। ये परचेस कर रहे हैं आप लोग, तो सॉरी क्या दिया है, स्टॉक दिया है। स्टॉक का मतलब ये होता है ओपनिंग स्टॉक, ना तुम बाय कर रहे हो ना तुम सेल्स कर रहे हो। जरा ध्यान से सुनोगे, स्टॉक का मतलब होता है ऑलरेडी आपके पास में उतने यूनिट्स रखे हुए है। क्या है? रखे हुए। तो ये है रिसिप्ट, ये है सेल्स, ये है बैलेंस। कैसा क्या लिखते हैं मैं फिर से बता दूं आप लोगों को। रिसिप्ट का मतलब होता है परचेज, सेल्स का मतलब होता है इश्यू, और बैलेंस मतलब बच गया। सबके अंदर 3-3 कॉलम क्या आएंगे वो मैं बता दूं। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स, फिर यहां लिखेंगे रेट, फिर यहां लिखेंगे अमाउंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर सेल्स में क्या लिखेंगे? यूनिट्स, फिर लिखेंगे रेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। अब लास्ट चला, तुम लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में मैं क्या लिख रहा हूं। बैलेंस में भी क्या आएगा जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन। देखो, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे वीडियो में, तब तक आपको सम समझ में आने वाला नहीं है। डन हो गया? यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। यूनिट की जगह क्वांटिटी लिखोगे, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में 10,000 यूनिट है, जिसका रेट है 7 रुपीज। तो देखो यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग, क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। सर नहीं लिखेगा तो चलेगा? चलेगा। डैश डैश डैश, ओपनिंग मतलब पहले से आपके पास में रखा हुआ। कितना यूनिट रखा हुआ है? 10,000 यूनिट रखा हुआ है। कितने के हिसाब से? 7 रुपीज। देखो देखो 7%। चलो फटाफट, यहां पर आपको यूज करना है कैलकुलेटर। क्या यूज करना है? कैलकुलेटर। तो 10,000 × 7, सबको पता है 70,000। चलो डन सर, डन। अब जब जब तुम लोग का एक एक ट्रांजेक्शन होते जाएगा डियर फ्रेंड्स,
आप लोग अपने पास में रखोगे। क्या बोलते हैं इसको बताओ फटाफट, कंपनी का नाम मत बता देना, बहुत हार्ड बच्चे आप लोग। क्या है ये और ये क्या है, दोनों चीज अपने पास में रखना है। और जैसा आप लोग एक एक ट्रांजिशन कंप्लीट करते जाओगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इस तरह से लाइन मार देना है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। आगे क्या दिया हुआ जरा देखो, परचेस में दिया है, सेल्स में दिया, तो मैंने क्या बोला था, डेट के हिसाब से जाओगे। एक तारीख के बाद में आती सर 7 तारीख, तो 7 तारीख को क्या कर रहे हैं आप लोग, सेल्स कर रहे। तो यहां लिखो हुआ 7/12/2023 --, फीफो मेथड है, सेल्स कर रहे, यहां से ले लो कितना करना है 2400। और अच्छा, सेल्स के टाइम पे याद रखना रेट जो हमारा बैलेंस में रहेगा ना वही वाला रेट लेगी। तो रेट कितना है 7, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2400 × 7 यू विल गेट 16,800। कितना मिलेगा 16,000, 8,000। 10,000 में से 2400 गया, कितना बच्चा माइनस करो फटाफट, 10,000 में से माइनस कर दो 2400, तो यू विल गेट 7,600। रेट कितना रहेगा अपना, सेम रहेगा, नोट चेंजेस इन द रेट, 53,200, ठीक है। पक्का किसी को डाउट यहां पे, पक्का 53 आएगा, ये कितना है एक बार चेक कर लूं, 7,600 × 7 यू विल गेट 53,000, और ये क्या था तुम्हारा 2400 × 7 सो यू विल गेट 16,000। सॉरी मैं वही बोला, इतना प्लस माइनस करने में गड़बड़ होगा। फिर से कंप्लीट हो गया एक एंट्री, जैसे जैसे एंट्री होते जाएगी डियर फ्रेंड्स आप लोग को क्या करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 7 तारीख के बाद में आना चाहिए था 8, 9, 10, 11, 12, 13 सर 16 तारीख है, 18 के बाद में 16 पहले आएगी, तो वापिस से कर रहे तुम लोग कितना 5,200। 16 तारीख 12/2023 --, कितना कर रहे सेल्स 5,200, कितना यूनिट है, कितना अमाउंट, रेट क्या लेंगे, जो बैलेंस वाला रेट है, जो यहां से तुम बेच सकते हो ना 5,200, तो यहां से बेचो फटाफट 5,200 × 7 सो यू विल गेट 36,400, ठीक है। 7,600 −5,200 सो यू विल गेट 2,400, रेट क्या रहेगा 7, तो यहां पे आंसर आपका ये मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, चलो फटाफट इसको क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद में अब 16 के बाद में कौन सा आएगा, 18 तारीख आएगी, क्या आएगी 18 तारीख को, क्या कर रहे जरा यहां पे देखना, परचेस कर रहे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 18 तारीख 12/2023 कितना परचेस कर रहे 8,400, और अमाउंट कितना दिया, रेट कितना दिया 6.5, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे 8,400 × 6.5 54,600। अब जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, --, सेल्स नहीं हो रहा है। अब बैलेंस में ध्यान दो, ऑलरेडी जो आपके पास में रखा हुआ है ना उसको एंट्री लिखोगे, जो पहले से आपके पास में रखा हुआ है उसके पहले की डेट का। अब बैलेंस में ये वाला लिखोगे एज इट इज, यही तो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या बोलते हैं इसको, फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे, चलो ठीक है। नेक्स्ट 18 तारीख हो गई, अब 19 तारीख को क्या हो रहा है, वापिस सेल्स कर रहे, कितना कर रहे 3,600, 19/6/12/2023 --, कितना सेल्स कर रहे 3,600, कितना आपके पास 2400 है, तो पहला ये वाला सेल्स करोगे जो आपके पास में ऑलरेडी रखा हुआ है, तो पहला ये सेल्स करो, रेट यही लेगी, तो आपको मिलेगा 16,800। 3600 करना था, मैंने 2400 तो कर दिया, अब बचा कितना तुम्हारा, देखो 36 में से आपने ऑलरेडी कितना सेल्स कर दिया 2400, तो अभी 1200 बचा, तो जो 1200 जो अभी बेचना ना यहां से बेचूंगा मैं, कहां से, यहां से, और रेट 6.5, मल्टीप्लाई करो फटाफट 1200 × 6.5 सो यू विल गेट 7,800। ये तो पूरा सेल हो गया, अब यहां से 1200 चला गया, तो करो माइनस 8,400 −1200 सो यू विल गेट
6200 और रेट यही लेगी हम लोग, फटाफट करो मल्टीप्लाई 6.5, सो यू विल गेट 40,300। सम बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है। फिर से क्या करेंगे, एक एक जैसे जैसे एक एक ट्रांजेक्शन होता जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलो आगे, 19 तारीख हो गई, अच्छा 23 को वापस से परचेस कर रहे, 23/12/2023 अच्छा परचेस करे कितना 7600 है ना, जो परचेस करोगे हमेशा कितना कर रहे हैं 4.5, समझ में आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई करो 7600 इंटू 4.5, सो यू विल गेट 34,200, ठीक है। डैश डैश डैश, अब क्या करेंगे, बैलेंस कितना है पहले ये एंट्री पास करो, पूरा हैज इट इज लिख दो एंट्री को 40,300। अब ये हैज इट इज कॉपी कर लेंगे 76,000, 4.5, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, वापिस से इसको क्लोज करेंगे। चल आगे, अब 30 को तुम क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो सेल्स, 30/12/2023 कितना सेल्स कर रहे हो 6800 है, कितना पहले ये वाला सेल्स करना पड़ेगा, फर्स्ट इन जो पहला आया उसको मुझे बेचना है, तो पहले 6200 बेचो, बेचना कितना है सर, लेकिन अभी है कितना मेरे पास में, पहला ये बेचो, उसके बाद में जो कम पड़ेगा ना सेकंड में से बेचोगे बेटा आप लोग 6.5। जब भी सेल्स करोगे ना तो रेट जो क्वांटिटी ले रहे वही वाला रेट लोगे, ठीक है। 6800 में से 6200 बेचा तो बचा कितना 600, यहां से बेचूंगा, कहां से, यहां से, रेट कितना है 4.5, मल्टीप्लाई करो 600 × 4.5, सो यू विल गेट 2700। अब 7600 में से तो 600 गया, बचा कितना 700 और रेट कितना है 4.5, तो यू विल गेट 3150। और कुछ बचा है क्या ये एंट्री में, इतना सिंपल सम था और हम लोगों को खाली लास्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास में लास्ट में कितना बचेगा बताओ मुझे, इतना करने पे आपको 10 मार्क्स मिल रहा था डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में आपके पास में बचेगा 700 और सॉरी 7000 ना, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा वो देख लिया, तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी होती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी को बहुत अच्छे से करना है, यही सम आप लोग कोशिश करो वेटेड मेथड से, और वेटेड मेथड कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया हूं, और जो मेरा वीडियो नंबर 4 है वो भी मेरा वेटेड मेथड है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन ले लो और वेटेड मेथड से करो, देखो किस्मत रही तो ये 20 मार्क्स का सम है डियर स्टूडेंट्स, आ सकता है, गारंटी नहीं लूंगा कि आएगा ही आएगा, लेकिन अभी तक आ रहा है, कभी 10 कभी 20 कभी 10 आते जा रहा है, तो किस्मत अच्छी रही तो शायद 20 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।